इसको देख रेख नहीं करना पड़ता है, गोरू बछरू नहीं खाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। आज हम लोग एक नए फार्मिंग के खेत में हैं, जो आप लोग ये देख रहे होंगे, देख करके बहुत लोग पहचान गए होंगे इसे, सूरन ओल या फिर जिमी कांदा, ऐसा तीनों बहुत सारे नाम से जाना जाता है और एक बहुत फेमस सब्जी है। यूपी बिहार में इसकी बहुत अच्छी डिमांड होती है, छत्तीसगढ़ में अब बहुत ज़्यादा चलने लगी है ये सब्ज़ी। आपको ये इसका वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, और इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, हमारे साथ में फार्मर भी जुड़ेंगे तो पूरी बातें होंगी, बने रहिएगा हमारे साथ में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ में गोविंद विश्वास जी जुड़े हुए हैं, सज्जन हैं, बहुत अच्छे फार्मर हैं, टेक्निकल हैं, और इनका जो चर्चा है पूरे सूरजपुर ज़िले में है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है सूरजपुर छत्तीसगढ़ का, एग्रीकल्चर के मामले में इनका नाम बहुत फेमस है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अच्छा, हमें बताइए कि इसका आइडिया कहाँ से आया आपको, जो ये सूरन की खेती करने का ये आइडिया आपको आया कहाँ से? ये मैं कलकत्ता में जाते थे ससुराल, उधर तो हमारा उधर सूरन बंगला में ओल बोलते हैं, हिंदी में जिमी कांदा बोलते हैं। हाँ। वो कलकत्ता में इसको वैरायटी एक से एक मिलता है और ये गजानन वैरायटी है। अच्छा। इसको खेती उधर बहुत होते हैं, वहाँ देख के हमारा आशा है कि उन लोग अगर जगा सकते तो हम क्यों नहीं जगा सकते। बिल्कुल, उसी के प्रयास करके मैं एक बार ट्राई कर लिया। तो आप ये लंबे समय से लगा रहे हैं या पहली बार किए आपने? नहीं नहीं, मैं पहले एक बार लगाए थे, वो एक एक सुरन हुआ था 20 किलो 25 किलो करके। हाँ, उसके बाद फिर उसमें हमको पड़ता नहीं पड़ा, फिर जाके छोड़ दिया, फिर फूल लगाते थे, फिर जिमीकंद में हम कहे। ये कितना किलो का लगभग निकलेगा? अगर ये अभी तक अभी केवीके में ले गए थे 16 किलो 17 किलो 9 किलो 10 किलो के नीचे नहीं ले, कभी एवरेज 10 किलो तो निकलेगा, 10 किलो निकलेगा ये निकलेगा। प्रॉफिट की बात करें हम लोग तो ये ठीक है खेती का। हाँ, ये प्रॉफिट के लिए इसमें क्या होता है कि एक बार कोरा मंदा दे के खाद दे के भर दीजिए, और अधिकतर अगर बर्मी कम्पोस्ट है तो गोबर खाद देंगे तो कांदा ज्यादा बड़ा होगा, मतलब मिट्टी थोड़ा नरम चाहिए। हाँ, वो जगह जगह बना सकते, बल्की मिट्टी में बहुत अच्छे होता है ये। अच्छा, चिटकई मिट्टी से बल्की मिट्टी बहुत अच्छी होती है। बालू मिट्टी जी। हमें बताइए ना कि इसका जो लागत है वो लगभग कितना लगता होगा, अगर एक एकड़ में करें खेती तो एक एकड़ में इसका लागत कितना लगेगा? एक एकड़ में तो हमको अंदाज नहीं, पर साल में लगाए थे ये आपके करीब करीब 60,000 का बीजा लाए थे और लगाए, और 12,000 के लिए गड्ढा खाने। अच्छा। खाना उसके लिए, और खाद पानी जो था रासायनिक खाद और बर्मी कंपोस्ट तो घर में था, उसी में हम तैयार किए। लॉकडाउन के कारण बेच नहीं पाए तो पार्सल इन साल बेच दिए, वो के आपके केबीके में कुछ ले गए, बलरामपुर में कुछ ले गए, और इधर ये आपका हॉर्टिकल्चर में ले गए। ज़्यादा तो अधिकतर आपका सरकारी सप्लाई, गवर्नमेंट सप्लाई किया हूँ सब। अच्छा। पूरा तो ये किलो में कैसे जाता होगा लगभग? अगर बाजार में कुछ दिन लेके गए थे 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये तक बिका, फिर इधर से गवर्नमेंट से तरफ से ऑर्डर है 50 रुपया किलो थोक देता हूँ। अच्छा, वो लोग लेके जाते हैं? जी, घर से ले जाते हैं, और एडवांस भी पैसा भी देते हैं। अच्छा, 50,000 रुपये मेरे को इस बार एडवांस दिया था हॉर्टिकल्चर से। एडवांस देते हैं कि आप इसका खेती करिए और जो फसल होगा वो हमें वापस, बस 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 वो लोग लेके वितरण करते हैं। तो आपके ये मतलब आपके हिसाब से बहुत अच्छी खेती? बहुत अच्छी, इसमें मेन बात है कीड़ा नहीं लगता है, और जो कि इसमें देख रेख घास एक बार नींद दिए तो साफ सुथरा एकदम, कुछ नहीं लगता है, मेहनत नहीं, नहीं दवा बीरो कुछ नहीं लगता है उतना जी। कभी कभी इसमें एक फंगस टाइप का बीमारी आता है, जड़ जो डाटा के नीचे में फंगस टाइप का काला काला, कभी एक बार दवा मार दिए, कभी अगर आ गया तो। अच्छा, ऐसा नहीं आते हैं। इसको लगाने का जो सही समय है वो कब है और हार्वेस्टिंग कब? ये लगाने का सही समय है आपको, जैसे होली खेलते हैं हम लोग, होली मार्च में, तो होली का पहले लगा लीजिए। अच्छा। वो लगा के उसको होली खेलिए, और सावन के आखिरी में वो पूरा तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और रेट भी अच्छा मिलेगा उस टाइम। कोई सब जगह पानी में बराबर डूब जाता है, कुछ फसल नहीं जाता, ये सुरन के लिए अच्छा दाम मिल जाता है। ट्रांसपोर्टिंग वाली फसल भी कहीं से कहीं भेज देते हैं, पहले पहले उड़ते हैं तो 80-70 रुपये किलो थोक चल जाता है ये। बिल्कुल, 60 रुपये किलो। तो क्या सलाह देंगे, करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल, हम सब किसान भैया को अनुरोध करते हैं, आप लोग को धान मक्का खेती तो करते ही है, ये खाने के लिए फसल जो सब्जी है ये बहुत स्वादिष्ट है, इसको थोड़ा थोड़ा जगा के ट्राई लीजिए आप लोग। मतलब इसमें ना कोई कीड़ा ना कुछ, कुछ नहीं एकदम, तो इससे अच्छी खेती क्या हो सकती है? इसको देख रेख नहीं करना पड़ता है, गोरू बछरू नहीं खाते हैं। अच्छा, ये भी है, कोई भी जानवर इसको खाता नहीं।
इसको निकालने में जो अभी प्रयास करेंगे वो निकलेगा गड्ढा खोद के फिर निकालेंगे? जी 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 जी, जैसे बाकी कांदा निकालते हैं वैसे ही सेम जी, प्रोसेस जी। अगर हमें लगाना मन हो कि हम लगाएं इसको, खेती करें और भी फार्मर, तो इसका बीज कहाँ से वो ले सकते हैं? वो आदि बाहर से हम तो बेंगलोर से मंगाए थे। अच्छा, पहले बार जी बेंगलोर से आया, बनारस से ही हम मंगाए थे। ये गजानन वैरायटी है, ये इसमें जैसे सब्जी बनाएंगे तो उसमें गला कटता नहीं, जैसे देसी वाला होता है तो गला कटता है, इसमें गला कटेगा नहीं, मतलब इचिंग जो खुजली होता है वो नहीं होगा जी। और मेन बात है, अगर कोई फार्मर को अगर बीज उपलब्ध चाहिए तो हमसे संपर्क करे, हमारा से संपर्क करने से आपको पूरा भरपूर बीज मात्रा मिल जाएगा, तो किसानों को आप दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बात करें अगर आपको कि इसमें आपने खाद कहा कि रासायनिक डाले और बर्मी कंपोस्ट डाले जी, इसको जब आप निकालेंगे तो इसमें दूसरा फसल फिर होगा, उगेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दूसरा फसल कर सकते, कोई आराम से, इसमें कोई हानिकारक नहीं होगा जी। तो हम लोग देखना चाहें इसका फल तो कहाँ दिखेगा इसको? फिर कोरी से कोर के आपको देखने जब आप निकालेंगे तब हम लोग आगे देखेंगे। जी जी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, उम्मीद है सभी को पसंद आया होगा। हम लोग आपके आमदनी के बारे में अगर बात करें तो जैसे आप 2 साल से इसकी खेती कर रहे हैं तो लगभग कितनी आपको आमदनी हो चुकी होगी इसमें? इसमें इन साल तो ज़्यादा फसल, जितना डिमांड था उतना तो हम दे नहीं पाए, और मेन बात हम कोरोना पॉजिटिव टैग हो गए थे, उसमें माल भी उठा नहीं पाए, तो गवर्नमेंट से जो हमको 50,000 रुपया एडवांस मिला था उनके लिए माल हम दिए हैं, वही 60-70 क्विंटल तक दिया हूँ। अच्छा, अभी बाकी माल आपके खेत में पड़ा हुआ है, ये निकलेगा तो आपको एक आइडिया हो जी। जी जी। हम आपने बताया कि आपको आमदनी कमाई कितनी हुई उसके बारे में हम लोग डायरेक्ट पूछे, बट आप उसको 60-70 हज़ार रुपये आपका लागत बताया, लेकिन जो सेल हुआ उसके बारे में आपने नहीं बात की। बिक्री तो ऐसे करीब करीब 4-4.5 लाख रुपये बेचा हूँ, और ऐसा भी तो बीजा पूरा पड़ा था, वो बीमार के कारण बेच नहीं पाया, बीज नहीं बेच पाए, नहीं पाए। जो आपने बिजनेस किया वो पूरा सप्लाई सरकारी था। इनसे हमने सुना कि करीब 4 लाख के आसपास का ये बिजनेस कर चुके हैं, और जो केवी के हमने डिस्कस किया था वो था कि कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पे इन्होंने सप्लाई करा। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको ये बीज कैसे मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो ही आप कॉन्टेक्ट करें, जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करें। 50 रुपये किलो में आपको मिलेगा, डिलीवरी एक्स्ट्रा लगेगी, जहाँ भी आप भेजना चाहेंगे उसका चार्ज आपको देना होगा, और ये लेकर के आप लगा करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। चाचा जी, हम लोग को थोड़ा सा और शॉर्ट में जानकारी दीजिए कि इसको लगाना कैसे है। मार्च में हमको लगाना है और सावन के बाद में इसको निकालना है जी। लेकिन जो इसकी लगाई सावन के बाद में नहीं, सावन के आखिरी में निकल जाता है। अच्छा, निकल जाता है सावन के बाद में, सावन में निकल जाता है ये, सावन में ही निकल जाता है, सबसे अच्छा रेट भी तभी मिलता है। मिलता है। तो इसको लगाना कैसे है, जैसे पहले मेड़ बनाना है या नाली? नहीं, पहले गड्ढा खन लीजिए, 1 फीट बाई 1 फीट गड्ढा खन लीजिए, उसमें बर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, और एक गाछी से एक गाछी दूरी, पौधा से पौधा दूरी 2.5 फीट, और एक पौधा से एक मेड़ की दूरी 4 फीट इस टाइप के लगाएंगे तो आपको पूरा खेती सक्सेसफुल होगा। इसको छटाई उटाई नहीं करना पड़ता? नहीं, इसमें नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। तो हम लोग देख रहे हैं ये कोई बीमारी से मरा है या इसका उम्र हो गया? ये कम्प्लीट हो गया, कम्प्लीट हो गया, पक गया। अच्छा, इसकी निशानी है कि ये कम्प्लीट हो गया है, अब इसको उठा सकते हैं, इसको अब आप निकाल सकते हैं। जैसे गाछी को मुरझा जाएगा तो निकाल उठा सकते हैं। इसमें पानी डालने की जरूरत होती है? ड्रिप क्या? ड्रिप में लगाओगे तो और अच्छा है, और जैसे जिसके पास ड्रिप का साधन नहीं है वो दोनों तरफ से पाइप बना के ढलान तरफ जमीन में, उसमें बाहर बाहर तरफ पानी छोड़ सकते हैं, एक तरफ से पानी छोड़ दीजिए, पूरा डुबा दीजिए, गर्मी में बरसात में कोई पानी लगता नहीं जी। ये पानी बहुत लंबा टाइम, जैसे एक बार डालेंगे लेंगे तो 15 दिन गर्मी में पानी डालना, 15-15 दिन में आपको पानी का सिंचाई करना जी, 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 है। और नाली से ही पानी आप दे सकते हैं, इसमें कोई टेक्निकल नहीं चाहिए? नाली प्लेन का ये, चलिए हल्का सा 4 अंगुल मोटा कर दीजिए, बस वो प्लेन प्लेन में जा जाएगा, पानी भी बरसात में भी आपको पानी नहीं फंसेगा, बहुत अच्छा रहेगा उसमें। और जैसे इसमें पानी आप डाल दिए, आप कोई खाद वाद चलाने की जरूरत है, यूरिया वगैरह? इसमें कुछ नहीं, पानी जैसे डाल दिए, जैसे आप एक बार गाछी बराबर हो जाएगा, थोड़ा इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो उसमें आप चाहें तो जैसे रासायनिक खाद कुछ भी, इको चाहे यूरिया पोटाश दे के उसको मांदा भर सकते हैं, मांदा भर देने से कंधा और बड़ा होगा, बड़ा हो जाएगा जी। हाँ, ये तैयार हो गया, ये पूरा तरह की तैयार हो गया, खाने के लिए लायक, और बीजा लायक भी तैयार हो गया, लेकिन अभी बीजा लायक नहीं, ये
जनवरी महीने में इसको कोरेंगे। दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। ये एक थोड़ा डिफरेंट वीडियो था हमारे चैनल पे, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा, तो बने रहिए हमारे साथ में और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।